लेकिन दोस्तों मुझे यहां तक पहुंचने की इंस्पिरेशन कैसे मिली, मुझे यहां तक पहुंचने की इंस्पिरेशन कैसे मिली, मैं किनको देख करके यहां तक पहुंचने की हमेशा कोशिश करता रहा? एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे पर्सनैलिटी जिनके पास अनलिमिटेड विल पावर मुझे देखने को मिलती है, जिनका चेहरा देख लेने भर से मैं अपने आप को मोटिवेटेड महसूस करने लगता हूं, जिन्होंने लाइफ में ना जाने कितने स्ट्रगल्स किए, ना जाने कितनी मुश्किलें फेस की, लेकिन आज भी जब भी वो मिलते हैं तो एक ऐसा गजब का जोश, एक ऐसा विल पावर उनके पास दिखता है जो हमारी की पूरी टीम को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है। और मैं, मुझे सौभाग्य मिला है दोस्तों कि उनको आज मैं बुलाऊं और वही मुझे इस बिजनेस में लेकर आए थे। सो प्लीज वेलकम माय ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुनील मान ऑन द स्टेज फ्रेंड्स। वाओ, अमेजिंग, वंडरफुल। यहाँ से जो नज़ारा दिखाई देता है वो नीचे से नहीं दिखाई देता वैसी। वेल, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबसे पहले तो मैं लालमणि जी को कंग्रेचुलेट करूँगा उनके डायमंड शिप पे, जो एक ग्रेट फीट इन्होंने अचीव किया है। इट इज अ वेरी बिग क्लैप। आप में से बहुत सारे लोग जब एयरफोर्स ऑडिटर में लालमणि जी का रूबी प्रमोशन हुआ था शायद उस वक्त होंगे। वो इवोल और प्रमोशन सेरेमनी मैंने खुद ने एंकर की थी, और आपको याद होगा मैंने एक चीज़ बोली थी जब लालमणि जी को स्टेज पे बुलाया गया था कि हमारे जो अगली प्रमोशन सेरेमनीज होंगे, हमारे जो इवोल होंगे, हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, सेलिब्रेशंस होंगे, वो ऑडिटोरियम्स में नहीं हो पाएंगे, वो स्टेडियम्स में होंगे। आज वो सपना पूरा हुआ है दोस्तों। और वो दिन दूर नहीं है दोस्तों कि ये छोटे छोटे स्टेडियम्स हमारे लिए बहुत मैंने नहीं रखेंगे, हमें बड़े स्टेडियम्स की जरूरत पड़ेगी, और शायद HBO को और सिक्योर लाइफ को ही नए स्टेडियम बनाने पड़ेंगे क्योंकि हमारी कैपेसिटी उससे ज़्यादा होगी। इस टीम की वजह से हमने बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन्स अचीव किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज के दिन आई फील ऑनर्ड, आई फील ब्लेस्ड कि इन लोगों के साथ में मैं भी आपके सामने आया हूँ, इनके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ स्टेज को। इस टीम ने बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स किए हैं, बहुत बड़ी टारगेट्स अचीव किए हैं, बहुत बड़े गोल्स अचीव किए हैं, और एक गोल जो हमें 23 जनवरी को मिला था अचानक, वो इस टीम की वजह से और आपकी वजह से पूरा हो पाया। आप सभी उसके लिए बधाई के पात्र हैं। हमने एक बार कर दिया है, लेकिन ये मौका आखिरी नहीं था। सिक्योर लाइफ में ऐसे मौके बार बार आते रहेंगे, और जब भी ऐसे मौके हमें आएंगे, जब भी हमें इस तरह के चैलेंजेस मिलेंगे, हम फिर जीत के दिखाएंगे, बार बार जीत के दिखाएंगे और हर बार जीत के दिखाएंगे, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है जबरदस्त टीम के ऊपर और आपके ऊपर। आप में से काफी लोग जानते हैं मेरे पास्ट के बारे में, पिछले वोल में जो कमिटमेंट आपने मुझे दिया था आपने पूरा किया, एक बार फिर से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। सिक्योर लाइफ में आने से पहले मैंने एयरफोर्स में नौकरी की, मैंने स्पोर्ट्स किया, करीब 6 साल 6.5 साल पहले मैंने एयरफोर्स की नौकरी छोड़ी। उन दिनों जब मैं जॉब करता था ना तो कभी सेटिस्फाइड था ना खुश था, लेकिन मजबूरी थी, करता गया, क्योंकि वहाँ पे आज़ादी नहीं थी, कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियाँ थी, कुछ मजबूरियाँ थी, कुछ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंसेज, जिसकी वजह से अपनी पढ़ाई के दौरान मैंने एयरफोर्स ज्वाइन की थी, और कुछ दिन के बाद मैं लगने लगा था कि शायद मैं अपनी रिटायरमेंट यहाँ पर नहीं कर पाऊँगा। इतनी मजबूरियाँ थी, जो लोग आज के दिन एयरफोर्स में हैं या सर्विस में हैं शायद समझ पाते होंगे, हर मोड़ पर टोका जाता था, हर जगह टोका टाकी होती थी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेरे से कम क्वालिफाइड लोग, मेरे से कम नॉलेजेबल लोग, कम कैपेबल लोग मेरा मूल्यांकन किया करते थे वहाँ पे कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी है। मैं स्पोर्ट्स करता था, मेरा कोचिंग कैंप कहाँ पे होगा ये मर्जी मेरी नहीं होती थी, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स देखते थे। मेरा कोच कौन होगा ये मेरी मर्जी से डिसाइड नहीं किया जाता था। कुछ ऐसे जाहिल लोग जिनको स्पोर्ट्स के बारे में ABC भी नहीं पता था, वो इस तरह के डिसीजंस लिया करते थे। मैं खाऊंगा क्या ये मेरी मर्जी नहीं होती थी, मैं इसमें जो बनता था वो मैं खाता था। किस वक्त ड्यूटी करनी है, कहाँ ड्यूटी करनी है, कहाँ पर ट्रांसफर होगी, ये डिसीजंस मेरे बॉसेस के हाथ में था।
मेरी फैमिली को कब शिफ्ट करना पड़ेगा ये मेरे बॉस डिसाइड करेंगे, लेकिन आज मैं अपने फैसले खुद करता हूं। जब स्पोर्ट्स करता था तो कानपुर में एक बार हमारा कोचिंग कैंप था, वहां का एक इंसिडेंट आपको जरूर बताऊंगा। मैं अपने एक सीनियर कोच के साथ में अपनी परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस कर रहा था, एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था, और मैंने उनको कहा कि कोच साहब एक प्रॉब्लम है मेरे साथ कि जिस टीम में मैं हूँ मैं यहाँ पे बहुत सुपीरियर हूँ। बहुत सारे लोग जानते हैं वॉज अ प्रोमिनेंट मैराथन रनर, लॉन्ग डिस्टेंस रनर, रनिंग करता था मैं। उस टीम में मैं सबसे प्रोमिनेंट एथलीट था और मेरे कॉम्पिटिशन में दूसरा कोई एथलीट नहीं था। तो मैंने उनको बोला कि अगर कोई दूसरा एथलीट जो मेरे बराबर का होता या मेरे से अच्छा होता तो मैं ज़्यादा इम्प्रूव करता, क्योंकि वो लोग मुझे बार बार कंपेल करते, मुझे हेल्प करते, मुझे अपने टोस पे रखते, लेकिन ऐसा नहीं था। और उन्होंने बाद में बोला हाँ ये बात सही है कि जब कंपटीशन वीक होता है तो हम रिलैक्स कर जाते हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हमारे अंदर कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है। लेकिन उन्होंने एक बड़ी अच्छी सलाह दी थी, आपको भी देने वाला हूँ मैं, वो बात हमेशा मुझे इंस्पायर करती रही है और आपको भी शायद इंस्पायर करे। उन्होंने कहा था कि अगर बड़े लक्ष्य को हासिल करना है, बड़े गोल्स को अचीव करना है, बड़े टारगेट्स अचीव करने हैं, तो किसी कॉम्पिटिशन से, किसी एथलीट से कॉम्पिटिशन मत करो, कॉम्पिटिशन करो वक्त के साथ। ट्राई टू बीट द क्लॉक। वक्त को पीछे छोड़ दो अगर तो आप जीत सकते हो। किसी और से कॉम्पिटिशन करोगे तो शायद आप जीतते रहोगे, आपको लगेगा कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आगे बढ़ना है, बड़े लक्ष्यों को हासिल करना है, तो वक्त के साथ में कॉम्पिटिशन करना सीखिए। बहुत बड़े बड़े टारगेट हो सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि कुछ ऐसे माइलस्टोन्स आप अचीव कर पाएं जो और कोई ना कर पाया हो। और जब मैं सिक्योर लाइफ में आया तो मैंने भी कुछ ऐसे माइलस्टोन्स अचीव किए। एक महीने में 167 सेल्स, दो महीने में 372 सेल्स। मैं चाहूंगा कि अगर आप में से कोई करके दिखाए, आई विल डेफिनेटली लाइक टू कांग्रेचुलेट हिम। जो मैंने किया है आप भी कर सकते हैं। मेरे अंदर भी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, हर आदमी के अंदर एनर्जी होती है। बड़े बड़े ख्वाब हर व्यक्ति देखता है, बड़े बड़े सपने सबने देखे होते हैं। मैं भी देखता हूँ, देखता था, आज भी देखता हूँ। एनर्जी सबके अंदर होती है, एंथुजियाज्म सबके अंदर होता है, मेरे अंदर भी है। कॉन्फिडेंस भी होता है सबके अंदर, मेरे अंदर भी है। लेकिन एक चीज जो ज्यादातर लोगों के अंदर नहीं होती, जो मेरे अंदर काफी अच्छी है, वो मेरी स्ट्रेंथ है सबसे बड़ी, वो है मेरी विल पावर। मैं कभी हार नहीं मानता, आई डोंट गिव अप इजीली। हमारे बिजनेस में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस वक्त हिम्मत छोड़ देते हैं, उस वक्त हथियार डाल देते हैं अपने, जब वो जीत के बहुत आसपास होते हैं, जब वो कर सकते हैं, उनको नॉलेज होती है, उनको एक्सपीरियंस होता है, उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज होती हैं जो एक अच्छे लीडर के अंदर होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी विल पावर लैक कर जाते हैं, ऐसे मोड में बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं जहां पर उनको नहीं जाना चाहिए था। थोड़ा सा स्ट्रगल और करें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनर्जी लगाएं वहां पे, तो अचीव कर सकते हैं बहुत बड़े गोल्स को। मैं शुक्रगुजार हूं उस व्यक्ति का जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। अनफॉर्चुनेटली आज वो इस बिजनेस में नहीं है। किस वजह से नहीं है आप लोग काफी जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, मैं इस बिजनेस में आ पाया। लेकिन एक व्यक्ति मेरे टीम में ऐसा है, इस एचबीयू की टीम में ऐसा है जिसको आप में से काफ़ी लोग जानते हैं, पहचानते हैं उनको बाय नेम, और वो हम सबके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन का सोर्स है। उनसे हम सभी लोग मोटिवेट होते हैं। इतनी स्ट्रगलफुल लाइफ रही है उनकी, उनके बारे में बताऊं तो कभी साइकिल पंचर लगाया करते थे, बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाया करते, और इनकम कितनी होगी, एक छोटे से शहर में रहते थे, और वहाँ से उस छोटे से शहर से जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं सिक्योर लाइफ में, क्योंकि मुझे लगता है उस शहर छोटा नहीं है, बहुत बड़ा शहर है, क्योंकि वहाँ से बहुत बड़े बड़े प्रमोशंस आज भी होने वाले हैं और पीछे भी होने वाले हैं। लेकिन उन सबके पीछे एक व्यक्ति है जिन्होंने उस पूरी टीम को लीड किया है। मैं चाहूँगा अपने सीनियर्स को वेलकम करने से पहले ऐसी पर्सनैलिटी को आपके साथ इंट्रोड्यूस करूँ। प्लीज़ वेलकम मिस्टर श्याम सुंदर फ्रॉम गाजीपुर। प्लीज़ वेलकम मिस्टर श्याम सुंदर फ्रॉम गाजीपुर। दोस्तों आज बहुत बड़ी खुशी है, जिस अचीवमेंट के लिए हम आज बैठे हुए हैं वो आज अचीवमेंट मिस्टर लालमणि जी की है, जो एचबीओ के लिए एक बहुत बड़ी शान है। मैं उनको एक फिर से कांग्रेचुलेशन करता हूं।
दोस्तों देखना आसान, सुनना आसान, करना बहुत कठिन होता है। अगर मैं अपनी जिंदगी का नाम बताऊं तो उसका नाम सिक्योर लाइफ है। क्योंकि हमारे जीवन का आधार रोटी, कपड़ा और मकान, यही तीन होते हैं, और मेरे जीवन में यही तीनों मेरे पास नहीं थे। इतना ही नहीं, लाखों रुपए कर्ज, कर्ज के साथ मेरे सर से माता पिता का साया भी उठ गया था, किसी तरह से रोटी की व्यवस्था कर पाता था। क्या यही लाइफ होती है? नहीं, नहीं होती है। बट जब से मेरी जिंदगी में सिक्योर लाइफ आई, मेरा जीवन ही बदल गया। जहां मैं रोटी के लिए सोचता था, आज इस कंपनी ने मुझे रोटी ही नहीं, आज दिल्ली जैसे शहर में रेस्टोरेंट में खाता हूं। जिस झोपड़ी में मैं रहता था, वो झोपड़ी आज भी कायम है, लेकिन उसके सामने एक बहुत बढ़िया मकान बनवाया मैंने। अभी मान साहब ने बोला है साइकिल ट्यूशन, वो साइकिल आज भी खड़ी है। मेरे पूरे परिवार में, परिवार ही नहीं, मेरे पूरे खानदान में किसी के पास मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी, वो साइकिल के साथ आज मेरे पास मोटरसाइकिल है, अपनी खुद की एसी कार है। इतना ही नहीं, एक बहुत बढ़िया बैंक बैलेंस भी है। दोस्तों हम कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं तो हर नेटवर्कर का एक सपना होता है, वो है डायमंड शिप अचीव करना। दोस्तों आज मैं या मेरी पूरी टीम या मेरी पूरी एसबीओ उस डायमंड शिप से, जो डायमंड शिप की हम बात कर रहे हैं, और एक जो डायमंड खड़े हैं उसके बीच और मेरा फासला कहूं तो बहुत ज्यादा नहीं, मात्र मेरी और उसकी दूरी है तो एक कदम की। आज मेरा नेटवर्क उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, इन तमाम स्टेटों में चल रहा है। आज मेरी टीम साइज 9600 की है। मैं इस कंपनी से लगभग 30 लाख रुपया अर्न कर चुका हूं।